नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। छिंदवाड़ा के वृंदावन लॉन बोहता चांद रोड में रुद्र परिवार के द्वारा भगवान श्री राम को समर्पित राम नाम जप महायज्ञ आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित महायज्ञ में 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जप महायज्ञ का संकल्प पूरा किया जा रहा है। इस आयोजन में अनेक राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों के साथ ही आम जन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम का संकल्प उत्साह से पूर्ण किया जा रहा है। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। संभाजी भिड़े द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में आक्षेपार्ह विधान करने के निषेध में आज हिंगनघाट शहर कांग्रेस द्वारा थानेदार मारुति मुलुक साथ ही उप विभागीय अधिकारी विनायक महामुनि के द्वारा मुख्यमंत्री शिंदे को ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त ज्ञापन कांग्रेस शहर अध्यक्ष तथा पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पंडरीनाथ काप से इनके नेतृत्व में सादर किया गया। इस निषेध के पूर्ण कृत्य के बाबत संभाजी भिड़े पर तत्काल कार्रवाई करके अरेस्ट करने की मांग की गई। ये केवल राष्ट्रपिता का अपमान ही नहीं, स्वातंत्र संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र करने वाले समस्त थोर विभूतियों का अपमान है। इन वादग्रस्त विधान से देश के समस्त गांधीवादी विचार के नागरिक संतप्त हुए हैं। इस तरह समाज में नफरत फैलाने वाले व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई करके उन्हें अरेस्ट करके उन पर न्यायालय में केस चलाने की मांग भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन में राज्य के मुख्यमंत्री को की गई है। ज्ञापन देते वक्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी इत्यादि उपस्थित थे। महिला जिल्हा उपाध्यक्ष रागिणीताई शिंदे, तसेच आज काँग्रेस पक्षाचे अपने शहराध्यक्ष पंढरीभाऊ कापसे, तसेच काँग्रेस पक्षाचे जेंट्स पदाधिकारी आणि महिला पदाधिकाऱ्यांनी आज आम्ही उपजिल्हाधिकारी साहेबांना संभाजी भिडे यांनी जे गांधीजी बद्दल आपले महात्मा गांधी आपले पिता आपण त्यांना पिता समजतो त्यांच्याबद्दल असं घाणेरडे वक्तव्य करणं त्या पुरुषाबद्दल आज महान पुरुषाच्या व्यक्तीच्या कारणाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं अशा पुरुषावर आक्षेपार्ह हे करणे बोलणे हे खूप अनिच्छा पद्धतीचं राजकारण आहे। त्या भिडेला कोणती बुद्धी सुचते हे काही समजत नाही। तो नेहमी महान पुरुषाच्यावर वक्तव्य करत राहतात, काही बोलत राहतात। त्या अशा भिडेला, ह्या संभाजी भिडेला लोकांनी चांगल्या पद्धतीने चाप द्यायला पाहिजे, त्यांना चांगले लोकांनी झोडपून काढायला पाहिजे। म्हणजे आपल्या जर महान पुरुषावर असे वक्तव्य करत असेल तर जर यांच्यावर आपण आम्ही आता उपजिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं आहे, तुम्ही यांच्यावर काहीतरी कार्यवाही करा, नाही तर आम्ही सगळे लोक आम्हाला जे काही करायचं आहे ते आम्ही करू। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी नोरकर की रिपोर्ट। मोता तालुका के विविध गांव में रहने वाले नागरिकों को बारिश के दिनों में बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा बिजली गुल होना या गांव की रोजाना की समस्या बन गई है। इस समस्या को दूर करने हेतु मोदा पंचायत समिति सभापति स्वप्निल श्रावणकर के नेतृत्व में नागरिकों ने मोदा महावितरण के अधिकारियों से चर्चा करके निवेदन दिया और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। एनबीसी न्यूज के लिए मोदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन खबरों में बस इतना ही। रोजाना की खबरें देखने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।